मैन हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द कट अप शो। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 20 मई के करंट अफेयर्स के बारे में। और हाँ दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और इस वीडियो की PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, जिसका कि लिंक मैंने मेंशन कर दिया t.me/thecutupshow। इसी साथ दोस्तों, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स के लेक्चर मैंने मात्र 11 आवर्स में फिनिश किया। आप लोगों ने नहीं देखे तो उसे भी देख लें। और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग चलते हैं अपने लेक्चर पर। तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, किसने ज्वाइन किया एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ ICAS। दोस्तों, ICAS एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, ठीक है, जिसका कि एग्जीक्यूटिव कमेटी के पद पर ज्वाइन किया है मनीषा कपूर ने, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा, मनीषा कपूर को एग्जीक्यूटिव कमेटी बना दिया गया है ICAS का। पहले ये सीनियर एडवाइजर रह चुकी थी ICAS का, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लीडर हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ माली। दोस्तों, माली देश के फिर से प्राइम मिनिस्टर बना दिए गए हैं मुख्तार ओएन को, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा, मुख्तार ओएन जो है वो फिर से माली देश के प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर दिए गए हैं। वहीं KP शर्मा ओली का अगर जो हम लोग बात करें तो ये नेपाल के फिर से प्राइम मिनिस्टर बना दिए गए हैं, ठीक है। और बिल नेल्सन का अगर जो हम लोग बात करें तो ये नासा के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। और बात करें यहाँ सिद्धार्थ लोंगियन को, तो इन्हें डायरेक्टर जनरल बनाया गया है एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसका नाम क्या है दोस्तों, नाडा। तो ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडियाज WPI इन्फ्लेशन सर्जेस टू हाउ मच परसेंट फॉर अप्रैल 2021। तो अप्रैल 2021 में WPI इन्फ्लेशन कितना सर्ज करके, मतलब बढ़ के कितना हो गया है। WPI का फुल फॉर्म होगा दोस्तों, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है दोस्तों। एक CPI होता है जिसका फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और WPI एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। और इसे मैंने कवर किया इकोनॉमिक्स के लेक्चर में, तो आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसे ज़रूर देख लें। और अप्रैल 2021 में WPI इन्फ्लेशन इंडिया का 10.49% हो गया है। और दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन होने का वजह क्या है। तो क्रूड ऑयल जो है, ठीक है, प्लस में पेट्रोलियम जो है और डीजल में जो है, उसमें उसके प्राइस में इंक्रीमेंट के कारण WPI इन्फ्लेशन, हम लोग का होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है 10.49% बढ़ गया है। और कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं कि CPI कितना बढ़ गया है इंडिया का अप्रैल 2021 के महीने में, ठीक है दोस्तों। और बात करें 10% के, तो GDP रहने का अनुमान लगाया है किस बैंक ने, तो HDFC बैंक ने बताया है इंडिया का GDP ग्रोथ रेट 2022 फाइनेंशियल ईयर के लिए 10% रहेगा। और 9.2% केयर रेटिंग्स ने बताया है कि इंडिया का GDP ग्रोथ रेट रहेगा, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं हम लोग आगे। हु हैज़ बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ तिब्बतन एक्साइल गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, तिब्बत को हम लोग जानते हैं, तिब्बत के निवासी जो हैं, कुछ निवासी इंडिया में रहते हैं, कुछ निवासी नेपाल में रहते हैं, कुछ नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं और कुछ निवासी यूरोप में रहते हैं। तो उन लोगों ने वोट करके तिब्बत का नया प्रेसिडेंट बना दिया गया है पेनपा सेरिंग को। और पेनपा सेरिंग ये रहे दोस्तों, ठीक है, और इनको जो है नया प्रेसिडेंट बनाया गया है तिब्बतन एक्साइल गवर्नमेंट का। और जो बाइडन का बात करें तो ये अमेरिका के प्रेसिडेंट है। बिल नेल्सन के बारे में मैंने बताया ही, ये नासा के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। और अरुण कुमार सिंह का अगर जो हम लोग बात करें तो इन्हें CMD बनाया गया है BPCL ऑयल कंपनी का, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा, BPCL एक ऑयल रिफाइनरी कंपनी है, जिसका कि CMD, जिसको चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बोलते हैं, उन्हें बनाया गया अरुण कुमार सिंह को। सिलेक्ट कौन करता है, तो PESB इसको सिलेक्ट करता है, पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा इनको नियुक्त किया गया, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ज्वाइंस ग्लोबल कंसोर्टियम टू बिल्ड अंडर सी केबल नेटवर्क। दोस्तों, रिलायंस जियो ने ग्लोबल कंसोर्टियम के साथ मिलकर अंडर सी केबल नेटवर्क को बनाने का निर्णय लिया है। और ये दोस्तों इंडिया में लार्जेस्ट केबल नेटवर्क होगा रिलायंस के द्वारा। तो ये नाम याद रखिएगा, रिलायंस जियो ने ग्लोबल कंपनी के साथ मिलकर, ग्लोबल का एक कंपनी है जिसका नाम है कंसोर्टियम, उसके साथ मिलकर अंडर सी केबल नेटवर्क को बनाने का वादा किया है। और टाटा की अगर जो हम बात करें तो टाटा ने बिग बास्केट को खरीद लिया है। और गूगल पे की बात करें तो अब अमेरिका के जो भी निवासी है वो इंडिया और सिंगापुर में आराम से गूगल पे के द्वारा मनी को सेंड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन फाइटर टू विन MMA टाइटल। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये हैं अर्जन भुलार, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इनका नाम अर्जन भुलार, जिन्होंने कि ब्रैंडन वेरा को हराकर MMA टाइटल को जीत लिया है। और ये एक
इंडियन ओरिजिन फाइटर रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इनका नाम अर्जन भुलार का नाम, और ये रहे अर्जन भुलार। वहीं हम लोग बात करें बाबर आजम का, तो बाबर आजम ने अप्रैल के महीने में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड से सम्मानित किया गया है इनको। और मार्च के महीने में कौन थे, तो भुवनेश्वर कुमार थे। वहीं हम लोग बात करें जनवरी के मंथ में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, तो ऋषभ पंत रहे थे। और फरवरी के महीने में कौन थे, तो आर अश्विन रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो ये भी याद रखिएगा। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हैड बीन पास्ड अवे रिसेंटली। दोस्तों चमन लाल गुप्ता यूनियन मिनिस्टर रह चुके थे, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया है। तो याद रखिएगा चमन लाल गुप्ता का नाम। रंजीत सिन्हा का अगर जो हम लोग बात करें, तो ये CBI के चीफ रह चुके थे, हाल ही में निधन हुआ इनका। और संजय चक्रवर्ती के बारे में आप लोग जानते हैं, शूटिंग कोच ये रह चुके थे, उन्होंने अभिनव बिंद्रा जैसे शूटिंग स्टार को कोच किया था। और आर राघोथनम का अगर जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये राघोथमन का अगर जो हम लोग बात करें, तो ये भी CBI के अफसर रह चुके हैं, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया। और ये इतने फेमस क्यों हैं, क्योंकि राजीव गांधी का जो हत्या हुआ था उस केस में ये काम किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पास्ड अवे रिसेंटली। दोस्तों IMA मतलब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके डॉक्टर KK अग्रवाल, जो कि ये रहे, इनका हाल ही में निधन हो गया है, तो याद रखिएगा। वहीं हम लोग बात करें कि राजन नारायण, जो कि ये हैं, एक तमिल राइटर और फोकलोरिस्ट हैं, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया। तो कि राज नारायण का भी नाम याद रखिएगा, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। चंद्रो तोमर का बात करें, तो ये एक शूटर दादी के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, और इन्होंने वृद्धावस्था में शूटिंग में बहुत सारे मेडल जीते थे। ठीक है, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। वहीं हम लोग बात करें राजेंद्र सिंह जडेजा का, तो ये BCCI रेफरी रह चुके हैं, जिनका कि हाल ही में निधन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड विच कंपनी साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को दोस्तों MOU भी बोलते हैं, ऑन द ज्वाइंट इनिशिएटिव फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल स्कूल। दोस्तों हमारे देश में जितने भी ट्राइबल स्कूल है, उसको डिजिटल बनाने के लिए, ऑनलाइन बनाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का साइन किया है। तो याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर ट्राइबल जितने भी स्कूल हैं उनका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करेगी, मतलब सारे शिक्षा जो है ऑनलाइन बोर्ड पर किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और फ्लिपकार्ट का अगर जो बात करें, तो क्लियर ट्रिप नाम की कंपनी को इन्होंने खरीदा है। और वर्ल्ड वन का अगर जो हम लोग बात करें, तो वर्ल्ड वन ने जिंदल पावर लिमिटेड कंपनी को खरीद लिया है। ठीक है दोस्तों, 97% स्टेक जो है वर्ल्ड वन ने जिंदल पावर लिमिटेड का ऑलमोस्ट खरीद लिया है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रॉकेट लॉन्चेज SBIRS GEO-5 मिसाइल वार्निंग सेटेलाइट फॉर US स्पेस फोर्स। दोस्तों एटलस 5 रॉकेट जो है, उसमें SBIRS GEO-5 मिसाइल जो है, जो कि एक वार्निंग सेटेलाइट है, और उसको लॉन्च कर दिया गया है। और उसको लॉन्च किसने किया है, तो यूनाइटेड लॉन्च एलियंस ने। ये है दोस्तों यूनाइटेड लॉन्च एलियंस, और ये है आपका एटलस भी रॉकेट, जिसमें कि SBIRS GEO-5 मिसाइल है। और ये मिसाइल क्या करेगा, तो सबसे पहले SBIRS का फुल फॉर्म होता है स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम। ठीक है दोस्तों, और ये किस लिए डिज़ाइन किया गया दोस्तों, तो ये एक वार्निंग सेटेलाइट है, जो कि बताएगा मिसाइल वार्निंग के बारे में, और मिसाइल का बैटल स्पेस के बारे में बताएगा, और डिफेंस कैरेक्टर के बारे में बताएगा। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। वहीं हम लोग बात करें नासा के, तो नासा के हाल ही में प्रेसिडेंट कौन नियुक्त किए गए हैं, बिल नेल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया फर्स्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर लॉन्च इन विच सिटी। इंडिया का दोस्तों पहला एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर, जो कि लॉन्च किया गया है पुणे शहर में। तो याद रखिएगा, इंडिया का ये पहला एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट होगा, जिसको कि फैसिलिटी का एक्सपोर्ट की फैसिलिटी होगी, जो भी एग्रीकल्चर गुड्स होंगे उसका एक्सपोर्ट किया जाएगा। और ये इसके लिए जो सेंटर खोला गया है वो पुणे में खोला गया है, तो याद रखिएगा। विच कंट्री डेवलप्स इट्स मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर सिमोर्ग। दोस्तों ईरान ने डेवलप किया है एक सुपर कंप्यूटर, जिसका नाम है सिमोर्ग। ठीक है दोस्तों, और सिमोर्ग का जो है दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है। ये पावरफुल क्यों है दोस्तों, क्योंकि इसका जो है, देखिए 0.56 पेटाफ्लिप्स जो है परफॉर्मेंस इंडेक्स है इसका। ठीक है दोस्तों, तो परफॉर्मेंस इसका बहुत ज़्यादा है, हालांकि कंपनी बोल रही है कि इसका जो है हम लोग 1 पेटाफ्लिप्स जो है परफॉर्मेंस इसका रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। और ये सुपर कंप्यूटर को यूज किया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ट्रैफिक और वेदर डेटा के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये भी याद रखिएगा। बात करें हम लोग चाइना के, तो जहुरोंग नाम की
मार्स रोवर को लॉन्च किया है इसने, ठीक है दोस्तों। और इंडोनेशिया का बात करें तो इन्होंने इंडियन नेवी के साथ मिलकर और इंडोनेशियन नेवी दोनों ने साथ मिलकर पासेक्स एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है हाल ही में, तो ये भी याद रखिएगा। और बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि कल मैंने एक क्वेश्चन बताया था जिसका आंसर मैंने गलत बता दिया था, और ये होगा मालेर कोटला नाम का 23वां डिस्ट्रिक्ट जो है पंजाब के नाम के स्टेट में जो है ईद उल फितर पे जो है 14 मई 2021 को पंजाब में एक डिस्ट्रिक्ट का निर्माण हुआ जो कि 23वां डिस्ट्रिक्ट था, उसका नाम क्या था? मालेर कोटला। तो याद रखिएगा मालेर कोटला डिस्ट्रिक्ट किस राज्य में पड़ता है? तो पंजाब राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि मेरा आज का आपसे क्वेश्चन रहेगा, विच यूनियन मिनिस्टर वोन इंटरनेशनल इनविजिबल गोल्ड मेडल ऑफ द ईयर, वेदर इट इज हर्षवर्धन सिंह, रमेश पोखरियाल निशंक, नरेंद्र मोदी या फिर पीयूष गोयल। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।